बांदा में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां राजनीतिक पशु के रूप में पहचान बना चुकी 21 गायों की गौशाला के ऊपर गुजर रही हाई टेंशन 11,000 की लाइन का तार टूटने से नीचे पुआल खा रही गायों के करंट से झुलस कर मौत हो गई। गायों की मौत की खबर लगते ही गांव के किसानों और समाज सेवियों ने पहुँच कर घटना स्थल से ही प्रशासन को सूचना दी, जिस पर तत्काल जिलाधिकारी हीरा लाल अपने प्रशासनिक अमले सहित पुलिस अधीक्षक गणेश शाह के साथ मौके पर पहुँच कर घटना को देखा। आपको बताते चले कि बांदा जनपद के पैलानी तहसील के खपटीहा कला के कान्हा गौशाला का है, जहां आज सुबह गौशाला के अंदर 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन टूटने से 21 गायों की करंट से झुलस कर मौत हो गई। डीएम हीरा लाल ने प्रशासन का बचाव करते हुए बताया कि यह एक दुर्घटना है जिससे 21 गायों की मौत हो गई, जिन्हें जेसीबी से खुदवाकर दफनाया गया। वहीं ग्रामीणों ने गायों की इन मौतों को दुर्घटना नहीं हत्या बताई। किसानों का कहना है कि यदि तार के नीचे गायों को खाने के लिए पुआल नहीं डाला जाता तो यह गायें वहां नहीं जाती और इनकी मौत नहीं होती। किसानों ने बताया कि प्रशासन गायों की मौत को छुपाना चाह रहा है। अभी 4 दिन पहले 26 गायों की भूख और बीमारी से मौत हुई थी। आपको बता दें कि दिसंबर 19 में बांदा जनपद में गायों को चारा के लिए सरकार द्वारा 7,50,00,000 से ज्यादा की रकम अभी भेजी गई, जिसके बाद भी इन गौशालाओं में आए गायों को भूसे की जगह पुआल खिलाया जा रहा है, जिसको खाकर गायों की मौत हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों पर ही गायों का भूसा खाने का आरोप लगा डाला। अभी 4 दिन पहले 26 गायों की भूख और बीमारी से मौत हो गई। खबर चलने के बाद दूसरे दिन स्वयं जिलाधिकारी हीरा लाल ने आकर इसी गौशाला का मुआयना किया था। संचालनकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के साथ पशु चिकित्सक प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी, लेकिन इसके बाद भी लापरवाह कर्मचारियों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं दिखाई दिया और आज फिर बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण 21 गायों के करंट से मौत हो गई, जो सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही को उजागर करता है। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उन्होंने बताया लाइट नहीं थी और सुबह जब इसको लाइन ऑन किए करीब 7:30 बजे, तो ये क्योंकि ठंडी के मौसम में तार सिकुड़ते और ये सब भी बातें होती हैं, तो इनका जो एक इंसुल जब ये लाइन ऑन किया तो एक इंसुलेटर इनका ब्रस्ट कर गया और जब इंसुलेटर ब्रस्ट किया तो एक तार नीचे गिरा। तो गायें, हमारा गौशाला बहुत दूर बना हुआ है जहाँ की घटना है, जो हमारा निर्माण है, तो वहाँ से गायें अपना सुबह टहलती वहलती रहती, अपने हिसाब से विचरण करती रहती, तो इसके नीचे जो गायें थी वो उन पर तार गिरा, उनकी डेथ हुई। एक दुखद घटना है और इसमें कोई अभी जो हम लोग यहाँ सभी हमारे कप्तान साहब, हमारे सारे अधिकारी, CBO CDO सभी बिजली विभाग के सारे अधिकारियों को ला करके अभी हम लोगों ने ताकियात किया, तो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसकी FIR लॉन्च करेंगे और इसकी ताकियात और यहाँ जो लोकल लोग पत्रकार गण हैं, मैंने उनसे भी अलग से पूछा, तो उन लोगों का भी ये कहना है कि एक नेचुरल घटना है, कहीं किसी का दोष अभी परम दृष्टिया परिलक्षित नहीं हो रहा। हम इन गायों का पोस्टमार्टम करके डिस्पोजल जो नियमानुसार होता करा रहे हैं। सर कितनी गाय मरी? 21 गाय बता रहे हैं। अच्छा सर, इसके पहले भी अभी 36 घंटे पहले भी कुछ गाय मरी थी यहाँ पर, इसी गौशाला में आप निरीक्षण करने आए थे, उस समय कितनी गाय मरी थी? नहीं, उस जब हम निरीक्षण करने आए थे तो ये उस समय गाय नहीं मरी थी और ये आप जो कह रहे हो इसका संज्ञान नहीं है, हो सकता उसके पहले मरी हो लेकिन उस समय नहीं थी। कौन सी गौशाला है? अपना पशु आस्था स्थल है। अच्छा, यहाँ के लिए सर कितना बजट आया है गोवंश के लिए, कितने गोवंश हैं यहाँ पर? समय जितना रहे होंगे उस समय के अनुसार दिया गया है। अच्छा, अब अलग अलग काम याद नहीं कितना दिया गया है। नहीं, ब्लॉक स्तर पर तो बजट आता है, अभी इस गोवंश के लिए, इस गौ आश्रय के लिए कितना बजट आया हुआ है? बता तो रहा हूँ, मुझे एक एक गौशाला का याद नहीं है, मैं जो लिस्ट है उस समय जो पशु रहे होंगे उसके अनुसार बजट रिलीज किया गया होगा। अच्छा, लेकिन जब धन रिलीज किया जाएगा तो उस समय सत्यापन के उपरांत ही धन फिर रिलीज होगा ब्लॉक स्तर से। अभी बांदा जनपद में कुल कितना बजट आया है गौरक्षा के लिए, गोवंश के लिए, गौशालाओं के लिए? 7,80,00,000। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितने जानवर हैं बांदा जनपद में जो गौ सेकंड में रह रहे हैं? 31,000 समथिंग है। अच्छा, लेकिन सर फिर भी ग्रामीणों का कहना है कि भूख प्यास से जानवर मर रहे हैं, कहीं कोई खाना पीने की व्यवस्था? जितनी प्रोसेस है उसको पूर्ण करने में टाइम तो लगता ही है। जैसे आपने कहा कि इसको कितना धन दे दिया, मैं डायरेक्ट नहीं रिलीज कर सकता वहाँ से, नीचे हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, खंड विकास अधिकारी लगे हुए हैं, जब वो सत्यापन कर लेंगे तब, मतलब कई सीढ़ियों से उतर के आता है कि बीच बीच में सत्यापन होता रहे, इसके बाद ही धन नीचे जाए आखिरी तक, कहीं कहीं गलत न जाए। अब खंड विकास अधिकारी, हमारा पशु चिकित्सा अधिकारी, दोनों जब सत्यापन कर लेंगे तब फिर ब्लॉक से धन रिलीज करेंगे, उसमें लगता है टाइम, जब तक सत्यापन नहीं करेंगे धन नहीं नीचे जाएगा। सर 7,00,00,000 रुपए बजट काफी होता है, फिर भी ग्रामीण से क्या आरोप लगा रहे हैं?
हाँ बजट तो मतलब इतना आया है जिले में। कितना आया है? 7,80,00,000। फिर भी सर मतलब ये सवाल क्यों आ रहा है आखिरकार, क्या कहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है कि गायों की भूख प्यास से मौत हो रही है? कहीं लापरवाही नहीं है इस तरह। धन नीचे ब्लॉक तक आ गया, ब्लॉक से सत्तापन होने के बाद उनको धन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर लापरवाही जो बता रहे हैं, भूख ठंड से मौत हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि सब अगर ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव जो भी उसमें लगे हुए हैं हमारे एनजीओ, जब तक सत्यापन नहीं करा देंगे तब तक धन ब्लॉक से नीचे नहीं आएगा ग्राम स्तर तक। सत्यापन उपरांत ही नीचे धन आएगा। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर INC। किस पद पे है सर? मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। थैंक यू।